बक्सर जिले की पुलिस ने दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर तीन अवैध असलहों और कारतूसों के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से दो रिश्ते में चाचा भतीजा है, जबकि एक सदर अस्पताल के कर्मचारी का बेटा है। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कप्तान नीरज सिंह ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। बता दें कि बीते 10 नवंबर को शहर के सिविल लाइंस इलाके में गोलीबारी हुई थी, इसकी खबर पुलिस को मिली। जांच के दौरान गोली चलाने वालों के बारे में पता चला। इसी बीच बीते 11 नवंबर की शाम में पुलिस को पता चला कि इनमें से दो अपराधी अवैध हथियार लेकर किसी अपराधी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस को छापे मारे की तो दोनों पकड़े गए। पकड़े गए अपराधियों का नाम दीपक कुमार 20 वर्ष और अभिषेक कुमार 19 वर्ष है। दोनों सिविल लाइंस क्लब वाली गली में रहते हैं। बताया जाता है कि दीपक के पिता शशि प्रसाद सदर अस्पताल में कार्यरत है। तलाशी के दौरान दीपक के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस व मोबाइल बरामद हुआ। वहीं अभिषेक के पास से एक जिंदा कारतूस व मोबाइल बरामद हुआ। वहीं दो माह पूर्व इटाढ़ी थाना क्षेत्र के अगवा करने के बाद राजस्थान में बेची गई युवती को इटाढ़ी पुलिस ने गुरुवार की सुबह बरामद किया। विस्तृत पूछताछ के क्रम में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, जिनके आधार पर अपहर्ताओं की सूची में कुछ और भी नाम जुड़ गए हैं। इसी बीच पुलिस ने 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज करा लिया है, जबकि शुक्रवार को उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। सिटी न्यूज बक्सर की एक खास रिपोर्ट। पुलिस को देखिए, जिस दिन काउंटिंग था उस दिन हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कुछ बदमाशों के द्वारा पुराने सदर हॉस्पिटल में फायरिंग की गई है। उसके सत्यापन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर को, DIO की टीम को और थाना प्रभारी को लगाया गया। सत्यापन में सही पाया। इनके पीछे हम लोगों ने पूरे टीम को लगाया था। टीम कल दो जगहों से, अलग अलग जगहों से पकड़ में आए हैं। एक टीम का नेतृत्व हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय कर रहे थे, जिनके पास से जो यहाँ पर इनकी जो टीम को इन लोगों ने पकड़ा है उसमें दो लड़के पकड़े गए हैं। दोनों के पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, दो मोबाइल बरामद हुआ है। साथ ही साथ हमारे DIO के नेतृत्व उदय जी कर रहे थे, इनके कृष्णापुरम थाना में दो लड़कों को पकड़ा गया है। एक लड़कों का सुजीत और ओम प्रकाश है। इनके पास से दो पिस्टल और जिंदा कारतूस चार बरामद हुआ है। साथ ही साथ इन लोगों के जो पूर्व के अपराधी के इतिहास है, इनका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। किन कारणों से फायरिंग किया गया, इन संबंध में पूछताछ किया जा रहा है। अभी तक जो है ये जो आपराधिक मामले हैं, इनमें अभी तक का अपडेट ये है। कृष्णापुरम में सर और लोग का अभी अनुसंधान हम कर रहे हैं। कुछ और चीज़ बरामद होने की संभावना है, कुछ और गिरफ्तारियाँ होंगी। सर लड़की भेजने का एक मामला प्रकाश में है, पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, क्या मामला? हाँ, इटाढ़ी थाने में विगत चुनाव के जस्ट विगत बाद जो है कि हम लोगों को एक सामाजिक प्रतिनिधि के द्वारा जो है कि एक सूचना दिया गया था कि इटाढ़ी थाना के संबंधित गांव से एक लड़की को बाहर बेचा गया है। उन पर तुरंत नोटिस लिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया। टीम में जाँच किया गया, क्योंकि यह मामला अगस्त का मामला था, तो सत्यापन में यह सही पाया गया। तत्क्षण जो इसे प्राथमिकी दर्ज कर जहाँ जहाँ इनके स्रोत हो सकते हैं वहाँ वहाँ पर छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान यह पता चला कि इस लड़की को वर्तमान में अभी राजस्थान में एक सवाई माधोपुर जिले के गांव है, जिस गांव का नाम अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वहाँ पर रखा गया है। वहाँ पर हमारे इटाढ़ी थाना प्रभारी और DIO प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम भेजा गया, जहाँ पे राजस्थान पुलिस के द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया। आज सुबह लड़की को हम लोगों ने बरामद किया है। इस कारण में पूर्व में हम लोगों ने दो आदमियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। साथ ही साथ अभी तक अनुसंधान के क्रम में कुछ अन्य लोगों को नाम आ रहा है। जो लड़की का बयान है, जो प्राथमिकी दर्ज किया गया है, वो कमोबेश एक जैसा है। घटनाएँ उसके साथ घटित हुई है, उस पर हम लोग मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। 164 का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित करा के उनका कराया गया है। हाँ, इसका हम लोग जैसे कि आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी यह प्राप्त हुई है कि अन्य गांव में ग्रामीण परिवेश में की लड़कियों को इस तरह के से बाहर ले जाया गया है। एक एक लोगों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से पूरे लोगों से ये हम लोग आग्रह करेंगे कि अगर किसी भी
कि लड़कियां किसी गायब हैं और उसका उन्होंने थाना में आवेदन या प्रतिवेदन या थाना को संज्ञान में नहीं दिया है। जैसा कि इस कांड में भी इन लोगों के द्वारा कोई सूचना स्थानीय थाना को नहीं दिया गया था, तो हमारा आग्रह है कि तुरंत जो है कि अपने संबंधित जो निगर के थाने हैं उनको खबर करें। हम लोग उस पर भी जो है कि इसी तरीके से मेहनत करके उनके लड़कियों को वापस लाने का प्रयास करेंगे। सर, पुलिस को क्या लगता है कि कोई बड़ा गिरोह है सर जो इस तरह से काम कर रहा है? अभी तो बताया ना कि इसमें जो कि 2 आदमी पकड़े गए हैं, 6 आदमी और भी लोग हैं, उससे और पूछा जा रहा है कि क्या इस तरह के मामले और पूर्व में किया गया है या नहीं किया गया है। महारानी लेडीज ब्यूटी पार्लर एवं स्पा सैलून, प्रशिक्षण के लिए संपर्क करें। आपके शहर बक्सर में वातानुकूलित स्टीम बाथ, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, हाईलाइट, हेयर स्ट्रेट, कलरिंग, बॉडी पॉलिश जैसे सारे प्रोफेशनल सुविधा के लिए जाना माना सेंटर महारानी लेडीज ब्यूटी स्पा सेंटर, गोलंबर जासो रोड बक्सर। हमारा मोबाइल नंबर 8603412054। आपके बक्सर शहर में खुल गया जावेद हबीब हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटिशियन के साथ ब्यूटी पार्लर आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। जावेद हबीब संजय सवर्णे का शादी विवाह, तिलक उत्सव, जन्म उत्सव, दूल्हा दुल्हन को सजाने के लिए एवं घरेलू छोटे बड़े पार्टियों में हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है। हेयर कटिंग से लेकर मेकअप तक आपको सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एक बार आवश्यक हमें सेवा का मौका प्रदान करें। हमारा पता है पीपी रोड रेमंड शोरूम के ऊपर, मोबाइल नंबर 7007641694, दूसरा नंबर 9519600007।